इंडियन आइडल 12 फिनाले के मंच के बिल्कुल पास पहुंच गया है। मेकर्स और जजेस ने तो विनर की तलाश भी कर ली है और बाकी सिंगर्स का रातों रात पत्ता साफ करने की भी तैयारी हो गई है। और आउट होने वाले सिंगर के लिस्ट में पवनदीप और सवाई भट्ट का नाम भी सुना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों सिंगर्स की तरह कुछ और सिंगर्स के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि वो खुद इस सेट पर रुकना नहीं चाहेंगे। जो पवनदीप हिमेश और अनु मलिक के पसंदीदा कंटेस्टेंट थे, उन्होंने खुद इन सिंगर्स को भाव नहीं दिया, इनके साथ ऐसा कारनामा किया कि आप इन्हें राय देंगे कि या तो जीत कर ही निकलना या तो अभी धक्का मार कर निकल जाओ, लेकिन बेइज्जती मत कराना, क्योंकि तुम्हारा हुनर बेइज्जती के काबिल नहीं बल्कि नाम रोशन करने वाला है। म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और शो के जज हिमेश रेशमिया वैसे तो पवनदीप राजन के फैन हैं, लेकिन वो मोहम्मद दानिश की तरफ कुछ ज्यादा ही तारीफ करते दिखे। एक एपिसोड में हिमेश ने दानिश की परफॉर्मेंस के बाद ये बता दिया कि उन्होंने दानिश को 10 में से 10 नंबर दिए हैं और पवन से ज्यादा दानिश इस शो को जीतने के लायक हैं। वही बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक बतौर मेहमान बनकर आए। इस एपिसोड में कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी की धमाकेदार वापसी होने वाली है। आशीष कुलकर्णी ने हाल ही में खतरनाक बीमारी को मात दी और शो में उनकी वापसी काफी धमाकेदार हुई। शो के मेकर्स ने एक प्रोमो रिलीज किया जिसमें अनु मलिक उनसे खुद ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आशीष कुलकर्णी भी बड़ी खुशी से उन्हें ऑटोग्राफ दे रहे हैं, लेकिन अनु मलिक ने सवाई भट्ट और पवनदीप को भाव तक नहीं दिया। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसे वो शो के कुछ दिन के मेहमान हैं। मतलब साफ इशारा मिल गया कि दोनों सिंगर्स का पत्ता साफ होने वाला है। वहीं शो के जज विशाल दलानी वैसे तो हर सिंगर की तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी पसंदीदा सिंगर शायली कामले हैं। विशाल कई एपिसोड में शायली की खूब तारीफ कर चुके हैं। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि शायली को इंडियन आइडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। टैलेंटेड सिंगर और इंडियन आइडल 12 की जज नेहा कक्कड़ की पसंदीदा कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि सीजन की सबसे हंसी आवाज अरुणिता कांचीलाल है। एक एपिसोड में नेहा ने कहा था कि वो चाहती हैं कि अरुणिता इस शो की विनर बने। अब आने वाले एपिसोड में कोई भी सिंगर पवनदीप और सवाई भट्ट की तारीफ नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों सिंगर अपना परफॉर्मेंस से किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे और यहीं से वो अपना बैग पैक कर लें। तो आप भी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर दें और पवनदीप और सवाई भट्ट के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 कंटेस्टेंट सवाई भट्ट इन दिनों जमकर ट्रोल हो रहे हैं। सवाई भट्ट ने बीते हफ्ते ही शो पर आकर कहा था कि उन्हें लगता है कि वो इस सफर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खैर, जजेस के समझाए जाने के बाद सवाई भट्ट रुके और अब सोशल मीडिया पर वो लगातार जनता से वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सवाई भट्ट कई मशहूर हस्तियों से भी अपने वोट की अपील करवा रहे हैं। बीती रात ही इन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो जनता से जमकर वोट पाने की कोशिश में लगे हैं। सवाई भट्ट ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, हेलो जी, सबको नमस्कार, बस आप मुझको सपोर्ट करते रहें, वोटिंग करते रहें, आज मेरी वोटिंग लाइन खुली है, प्लीज मुझे वोट करिए, मुझे बहुत जरूरत है, अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, पर यहाँ भी मेरे लिए एक एक चुनौती है और आप सब लोग मेरे परिवार हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, मेरे मम्मी पापा मेरी जान है, आप लोगों की दुआ से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सवाई भट्ट के इस पोस्ट को देखकर कई लोगों का कहना है कि उनके कहने से पहले ही वो उन्हें वोट कर चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें चीटर बुला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आप तो शो छोड़ने वाले थे तो आप क्यों वोट मांग रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, चीटर हो तुम। आ रहे लोगों के रिएक्शन यही बता रहे हैं कि सवाई भट्ट का दांव उन पर उल्टा होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा सवाई भट्ट इस शो में कितना आगे जा पाते हैं। इंडियन आइडल 12 में इस वक्त सवाई भट्ट को पवनदीप राजन, षणमुख प्रिया, सायली कांबले और अरुणिता कांचीकाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। फिलहाल आप किसे विनर बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पवनदीप अभी सेट से बाहर भी नहीं हो पाए कि दूसरे टॉप सिंगर सवाई भट्ट को लेकर बुरी खबर सामने आ गई है। सवाई भट्ट की खबर सुनकर सभी जजेस के रोंगटे खड़े हो गए और फैंस का जो हाल है वो तो बताने लायक भी नहीं है। जब सवाई भट्ट ने बताया कि उन्हें घर जाना होगा, लोग वजह पूछते उससे पहले सवाई भट्ट फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है,
वो काफी वक्त से परेशान है और ना ही कुछ खा पी रही है। बेशक कोई सीरियस बात तो जरूर होगी। तभी सवाई भट्ट ने शो में सबके सामने ये खुलासा किया और सवाई ने शो को छोड़कर माँ को चुना। उनका मानना है कि शो में वो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन एक बार माँ चली गई तो वो कभी नहीं मिलेंगी। सवाई भट्ट की इमोशनल बात सुनकर हर कोई थम गया, क्योंकि कोई भी सवाई भट्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। कई फैंस है जो चाहते हैं कि सवाई जैसे गरीब कंटेस्टेंट को इंडियन आइडल का ताज मिले, जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़े और कुछ लोगों को प्रेरणा मिले। कहा तो ये भी जा रहा है कि सवाई भट्ट के परिवार वाले ही सवाई भट्ट को घर बुला रहे हैं, क्योंकि वो मुंबई और दिल्ली के माहौल से बहुत डरे बैठे हैं। उन्हें पल पल डर सता रहा है कि उनका बेटा खतरनाक बीमारी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि अब तक इसी शो के 4-5 कंटेस्टेंट खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और अब तक उनकी सेट पर वापसी भी नहीं हुई है। सवाई भट्ट के घर वाले अपने बेटे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि सवाई भट्ट के परिवार वाले पहले ही सवाई के भरोसे अपना घर का पालन पोषण करते हैं। अगर सवाई को कुछ हो गया तो उनका परिवार वैसे ही जितना मिट्टी हो जाएगा। शायद इसलिए सवाई भट्ट को शो छोड़कर घर बुलाया जा रहा होगा। सवाई ने ये भी बताया कि उनका परिवार इस वक्त काफी परेशानियों से गुजर रहा है। घर में पैसों की तंगी भी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें घर जाना बहुत जरूरी है। और अब तो उनकी माँ की तबीयत भी खराब बताई जा रही है, इसलिए सवाई गाने पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। एक तरह से उनका चले जाना ही ठीक है, क्योंकि बात यहाँ माँ की है। अगर सवाई भट्ट चले गए तो इंडियन आइडल तो सुपरस्टार को खो ही देगा, साथ ही फैंस के लिए भी बुरी खबर होगी, क्योंकि सवाई आखिरी स्टेज तक समझो पहुंच चुके हैं। हम दुआ करते हैं कि सवाई भी इसी बीमारी से बच जाए और उनकी माँ भी स्वस्थ रहें। जैसे जैसे इंडियन आइडल 12 फिनाले तक पहुंच रहा है, वैसे वैसे कंटेस्टेंट की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बेशक विनर एक ही होता है और ऐसे में 9 कंटेस्टेंट में से कई कंटेस्टेंट को आउट कर दिया जाएगा और तब एक विनर को खोजा जाएगा। और अब लग रहा है कि इस बार सवाई भट्ट का शो में आखिरी वक्त चल रहा है। सवाई भट्ट को भी उम्मीद थी कि वो इस शो को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने आस और हिम्मत तोड़ी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी गंदी तरह से उन्हें आउट किया जाएगा। जी हां, सवाई भट्ट को बाहर का रास्ता खाने के लिए उनके साथ जो घटिया प्लानिंग की गई है मेकर्स और जज ने, वो वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जो यहाँ सवाई भट्ट को आधी रात में आउट करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, वो भी बड़ी सफाई से, जिससे दर्शकों को भनक भी ना पहुंचे कि सवाई भट्ट कैसे और क्यों आउट हुए। लेकिन अगर आप सवाई भट्ट की आवाज के फैन हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको भी सवाई भट्ट के साथ नाइंसाफी होती नजर आ रही है, तो उनके लिए आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि सवाई भट्ट ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है और अब जब वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, पूरे देश को अपनी आवाज से दीवाना बना चुके, तब उन्हें बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। दरअसल शो का एक प्रोमो दिखाया गया है कि अगले वीकेंड पर दिग्गज एक्ट्रेस जयाप्रदा मेहमान बनकर आएंगी। उनके सामने घूमर गाने पर जबरदस्त परफॉर्म कर सवाई भट्ट मौसम ही बदल देंगे। इसके बाद सवाई स्टेज पर कहते हैं कि वो शो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर पर कई सारी परेशानियां चल रही हैं। इस प्रोमो के आने के बाद से ही लोग सवाई के फैसले से हैरान हो गए। लोग तो दो तरह की बातें भी करें, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोमो महज TRP के लिए किया गया है, असल शो में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेकर्स ने शो में नचिकेता लेले की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने के लिए सवाई को जानबूझकर शो से बाहर किया है। सवाई अपने मन से ये शो कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि सवाई जहां से आते हैं वो इतना बड़ा मंच अपने मन से तो कतई नहीं छोड़ेंगे। माना जा रहा है कि मेकर्स ने उन पर शो छोड़ने का दबाव बनाया ताकि वो शो में नचिकेता की फिर से एंट्री करवा सके। दूसरे वाले तर्क को इसलिए भी सटीक माना जा रहा है, क्योंकि जब नचिकेते लेले शो से बाहर हुए थे तो उस वक्त बॉटम 3 में सवाई भट्ट भी थे। उस एलिमिनेशन ने मेकर्स की जबरदस्त फर्जियत करवा दी थी। फैंस का कहना था कि सवाई किसी भी मामले में नचिकेते से अच्छे नहीं हो सकते और केवल TRP के लिए सवाई को बचाकर नचिकेते को निकाला गया है। हालांकि अब पूरा मामला क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। हालांकि अगर ऐसा है तो ये सच में सवाई और उनके फैंस के लिए बड़ा झटका होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।